नमस्कार दोस्तों, पलारी रेलवे स्टेशन आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता है। तो दोस्तों जी हाँ, अभी हमें पलारी रेलवे स्टेशन में जो कि सिमली शहर के पास पड़ता है, अभी आप देख रहे हैं बाहर के नज़ारे हैं जो कि पलारी रेलवे स्टेशन के हैं। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों पलारी का जो है रेलवे स्टेशन दिखता है। सामने गार्डन बनाया गया है और देख सकते हैं यहाँ पर एंट्री और एग्जिट पॉइंट दिए गए हैं, यहाँ से आप आ सकते हैं और जा सकते हैं। और कुछ इस प्रकार से पूरा स्टेशन दिखता है। काफ़ी अच्छा स्टेशन है, पहले से बहुत बड़ा स्टेशन है और काफ़ी चीज़ें यहाँ पर जो इम्प्रूवमेंट की गई और काफ़ी अच्छा लग रहा है। बाकी देखा जाए तो केवलारी के रेलवे स्टेशन से भी ज़्यादा अच्छा हमें पलारी का रेलवे स्टेशन लगा। आस में कास में जो कानीवाड़ा के हैं, बोमा के हैं, उनसे भी अच्छा जो है देखने में अगर आप देखेंगे तो पलारी का रेलवे स्टेशन है। फिलहाल अभी आप जो है पलारी के रेलवे स्टेशन में हैं और आपको कैसा लग रहा है? अगर आप पलारी के रहने वाले हैं और आप कुछ भी जानते हैं स्टेशन के बारे में जो हमसे शेयर करना चाहते हो तो आप हमारे साथ में शेयर कर सकते हो और हमें बता सकते हैं जो जानकारी हमें नहीं पता है, अगर आप जानते हैं तो। तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं अभी यहाँ पर कुत्ते वगैरह सोए हुए हैं, कुछ डॉग्स हैं और यहाँ पर कुछ लोग जो हैं अक्सर स्टेशन में आपको देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी हैं और कुछ लोग जो है इन्जॉय करने के लिए स्टेशन में आए हुए हैं। तो दोस्तों यह है हमारा मेन एंट्री गेट रहेगा, जहाँ पर भी ताला लगा हुआ है क्योंकि यहाँ से हमारी एंट्री जो है चालू होगी। और यह दोस्तों अभी हम देख रहे हैं पलारी स्टेशन के पीछे का सीन, जहाँ पे मार्केट वगैरह लगता है। अगर आप पलारी के रहने वाले हैं तो आप जानते होंगे यह जो मार्केट रोड है, यहाँ पे मार्केट वगैरह लगता है जो कि हर शनिवार को लगता है और काफ़ी मात्रा में यहाँ पे भीड़ होती है। तो दोस्तों चलो अब हम चलते हैं अंदर की ओर, जो कि अंडरग्राउंड ब्रिज बना है उसके बारे में देखते हैं कि भाई कैसा है वहाँ पर, कैसा क्या है, पानी वगैरह भरता है या नहीं भरता है। अभी फिलहाल पानी यहाँ पर गिर रहा है तो देख सकते हैं आप काफ़ी मात्रा में पानी गिर रहा है और हम गिरते पानी में जो यहाँ पर वीडियो बनाने आए हैं, क्या कि हम बता सकें कि पानी गिरता है तब स्टेशन कैसा दिखता है। फिलहाल तो इसके नज़ारे बहुत ही प्यारे हैं। दोस्तों जैसा कि आपने देखा अंडरग्राउंड ब्रिज था, वहाँ पे थोड़ा बहुत पानी भरा है, ज़्यादा पानी भरा नहीं है। वैसे वहाँ पानी से निकलने की बहुत कुछ जगह दी नहीं गई है, लेकिन फिर भी हमारा स्टेशन जो बहुत प्यारा दिख रहा है। लेकिन जब भी यहाँ पर ट्रेन चालू होगी तो हम जानते हैं कि इसका उपयोग जो है बहुत कम होगा, क्योंकि हम इंडियंस हैं और हम जो है डायरेक्ट यहाँ से प्लेटफॉर्म नंबर 1 से सेकंड में चल जाएंगे यहाँ पे पार करके कूद के। तो दोस्तों देख सकते हैं कितना प्यारा वेदर है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, देखने में बहुत ही सुंदर है। यहाँ पे पूरा इलेक्ट्रिसिटी का काम हो चुका है, पूरे तार वगैरह लग चुके हैं, यहाँ पर स्टेशन जो है बन के पूरा तैयार है। तो देख सकते हैं यहाँ पर पलारी लिखा हुआ है और यहाँ पर बैठने की व्यवस्था भी दी गई है, नल वगैरह भी दिए गए हैं। और दोस्तों कितना प्यारा सीन है, देखते हैं यहाँ पर हल्का हल्का कोहरा छाया हुआ है, पानी भी गिर रहा है और स्टेशन जो बहुत ही प्यारा दिख रहा है। तो यह मौसम जो बहुत ही प्यारा है। और जी हाँ, बता दें कि पलारी रेलवे स्टेशन जो है पूरी तरीके से बन के तैयार हो चुका है, सारे काम जो होने होते हैं वह हो चुके हैं, थोड़े बहुत छोटे मोटे काम जो हैं वह चल रहे हैं, जो कि यहाँ पे लोग लेबर लगे हुए हैं जो पूरा काम कर रहे हैं। यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे अनाउंसमेंट के लिए जो माइक लगा होता है वह लग चुका है, फैंस वगैरह लग चुके हैं, बैठने के लिए बेंचेस वगैरह हैं और यहाँ पे स्टेशन मास्टर वगैरह भी कन्फर्म हो चुके हैं कौन आएंगे कौन नहीं आएंगे, और यहाँ के जितने भी काम होते हैं वह सब जो है कन्फर्म हो चुके हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से दिखता है, पानी गिर रहा है और बहुत ही प्यारा स्टेशन जो आपको लग रहा है कुछ इस प्रकार से दिखता है पीछे से स्टेशन। और अभी हम देख रहे हैं जो देख सकते हैं मेन स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 1 उस तरफ, और जहाँ पे हम खड़े हैं वह प्लेटफॉर्म नंबर 2 है। तो दोस्तों हम बताते हैं आपको ट्रेन यहाँ से कहाँ की कहाँ मिलेगी। अगर आप पलारी से जाना चाहते हैं छिंदवाड़ा, तो छिंदवाड़ा के लिए आपको ट्रेन मिलेगी, सिमली की ट्रेन मिलेगी जो कि इस तरफ जाती है। और दोस्तों यहाँ पर जाएंगे आप नैनपुर तरफ, नैनपुर के लिए मिल जाएगी। अगर आप नैनपुर से जबलपुर जा सकते हैं, वहाँ से मंडला जा सकते हैं, वहाँ से बालाघाट जा सकते हैं। और अगर आप छिंदवाड़ा जाना चाहते हैं तो छिंदवाड़ा से दोस्तों आप वहाँ से फिर आप इंदौर जा सकते हैं और दिल्ली के लिए जा सकते हैं, और वहाँ से आपको नागपुर के लिए ट्रेन मिल जाएगी। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से कनेक्टिविटी जो है जुड़ जाएगी, सिमली से लेके आप छिंदवाड़ा तक जा सकते हैं और यहाँ पर नैनपुर तक जा सकते हैं। तो दोस्तों कुछ प्रकार से पूरा स्टेशन है जो कि हम दिखा रहे हैं आपको अल्ट्रा वाइड एंगल में, देख सकते हैं कितना प्यारा दिख रहा है। और अगर आप कुछ और जानते हैं स्टेशन के बारे में जो हमें नहीं पता है, या फिर आप जो स्पेशल कुछ चीज़ जानते हैं तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों कुछ प्रकार से बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही प्यारा दिख रहा है, देख सकते हैं हम 3x जूम में दिखा रहे हैं कितना प्यारा दिख रहा है। सामने कोहरा छाया हुआ है हल्का हल्का सा और बारिश हो रही है और ग्रीन ग्रीन घास है, और ये देख सकते हैं आप दोनों तरफ यहाँ पर लिखा है पलारी। और अभी हमारा जो है रेड सिग्नल चल रहा है क्योंकि यहाँ पर ट्रेन चालू नहीं हुई है। आशा करते हैं ट्रेन तो बहुत ही जल्द चालू होगी और हमें जो यहाँ पे पहले बार ट्रेन सफ़र करने का मौका मिलेगा, क्योंकि 5-6 साल हो चुके हैं ट्रेन को बंद हुए। अब तो हमारा काम भी जो
पूरा हो चुका है, जल्दी ट्रेन चालू होगी और आशा करते हैं जैसे ही ट्रेन चालू होगी हम आपको इसका भी एक ब्लॉग बना के देंगे। तो दोस्तों फिलहाल अभी हमने जो है पूरी कवरेज आपको दिखाई पलारी रेलवे स्टेशन के बारे में, जो कि हमने आपको सामने से भी दिखाया, पीछे से भी दिखाया और बीच के नज़ारे भी दिखाए। तो कुछ इस प्रकार से पूरा जो है दोस्तों आपको देखने को मिलेगा पलारी रेलवे स्टेशन। आशा करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छे लगते होंगे। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छे लगते हों तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हमें कमेंट करके जरूर बताएगा दोस्तों कि हमने इसमें कुछ बताया है या नहीं। अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगता है। तो ये था पुलारा वीडियो पलारी के बारे में। तो धन्यवाद दोस्तों, आशा करते हैं आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। जल्दी मिलते हैं हमारी न्यू वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। 15 अगस्त की आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएँ।